हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पीपीटी का हम एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पर प्रेजेंटेशन बना भी रहे हैं, बनाया भी है। और वो उसमें आप, मैं चाहती हूँ कि आप उसको कंप्लीट कर लें। मैं कोई नया प्रेजेंटेशन आपको बताऊँगी क्योंकि मैं बीच में और ज़्यादा चीज़ें बताने लगी हूँ आपको बीच बीच में, तो इसीलिए आपको चाहूँगी कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे पे जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और उससे क्या होगा कि फिर मैं आपको, आप जो प्रेजेंटेशन बताऊंगी वो एक नए सिरे से बनाना बताऊंगी। तो हमने कल बात की थी कि F6 का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो हमने यही बात की थी ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस बार में एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, ज़्यादातर होता क्या है, 2010 से ऊपर के जो ऑफिस हैं उनमें स्पेल चेक का ऑप्शन F6 से मिल जाता है और थंबनेल का। वरना कभी कभी ये भी होता है कि कुछ सी किसी ऑफिस में स्टेटस बार और ऑफिस मेन्यू का ही ऑप्शन मिलता है, ये दोनों नहीं मिलते। चलिए मैं बताती हूँ आपको, F6 से स्टेटस बार में चलते हैं। पहले हम लोग कंप्यूटर ऑन कर लेंगे, जहाँ भी हमने अपना प्रेजेंटेशन कोई सेव है उसको निकाल लें, नहीं है तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन निकाल लें। और हमेशा याद रखिएगा, जो स्क्रीन रीडर टाइटल बोलता है उसको याद रखा करें। वो से क्या होता है कि वो प्रेजेंटेशन याद रखने से टाइटल वो एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं तो आसानी हो जाती है जवाब देने में। हमने यहाँ F6 प्रेस किया। F6 प्रेस करने के बाद हमें ऑप्शन मिला पहला, स्टेटस बार। टैब से करेंगे तो आएगा स्लाइड शो बटन। क्या आएगा? स्लाइड शो बटन। यहाँ पे अगर हम स्लाइड शो बटन पे एंटर कर देंगे तो प्रेजेंटेशन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या, किस स्लाइड को हम कैसे बनाया है। लेकिन ये यहाँ पर हम कुछ एडिट नहीं कर सकते जब तक हम एस्केप करके स्लाइड व्यू पे ना आए, जब तक हम कुछ एस्केप करके स्लाइड व्यू पर ना आए। फिर टैब से आएगा, क्या आएगा, टैब से जूम डायलॉग बॉक्स बटन। फिर जूम डायलॉग बॉक्स बटन पे क्या होता है, हम एंटर करेंगे तो अप डाउन स्लाइडर होता है, यहाँ अप डाउन एरो से जूम बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो से घटा सकते हैं जितना रखना है, और एंटर कर देंगे। फिर आएगा, टैप करेंगे जूम इन बटन। फिर आएगा जूम आउट बटन। फिर आएगा हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो, यानी कि अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग जूम रख सकते हैं। फिर टैप करेंगे तो आएगा स्पेल चेक, यहाँ से स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि फिर से अगर हम टैप करेंगे तो पहले आएगा क्या, सबसे पहला स्लाइड शो बटन जो हमने F5 से देखा था, जो हम प्रेजेंटेशन को यहाँ से हम लोग मतलब स्लाइड शो करवा सकते हैं कि स्लाइड पे हमने क्या बनाया। टैप किया तो हमारा आया जूम डायलॉग्स बॉक्स बटन, जहाँ से हम जूम को अप डाउन और उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंटर करने के बाद, और जितना इंक्रीज डिक्रीज किया है फिर अगेन ओके कर देंगे तो उतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे क्या कहते हैं, तो आएगा टैप तो जूम इन, फिर आएगा जूम आउट, और फिर टैप जूम इन के बाद टैप किया जूम आउट, फिर टैप किया जूम ये आएगा हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो, फिर टैप किया फिर स्लाइड शो के बटन के बाद मैंने दो बार टैप कर दिया था तो एक बार टैप करूँगी सिर्फ, तो क्या आएगा स्लाइड सॉर्टर बटन। अगर आप स्लाइड सॉर्टर पे हिट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो एक तो आपके पास जितनी स्लाइड है उनको आप सॉर्टिंग के तरीके दिखा देगा, उनके अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं किसको ऊपर नीचे रखना चाहते हैं। और या फिर स्लाइड एक ही है और आपने स्लाइड सॉर्टर बटन पे एंटर किया है तो वहाँ पे आपने अगर जूम डायलॉग बॉक्स से जूम बढ़ाया घटाया है तो वो जूम क्या होगा, वो जूम क्या है आपका, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए तो वो उतना हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको टैप करके दिखाती हूँ क्या। F6 प्रेस किया है, टैप स्लाइड शो बटन, टैप स्लाइड सॉर्टर बटन, टैप नॉर्मल बटन, टैप जूम डायलॉग बॉक्स बटन, टैप जूम इन बटन, टैप जूम आउट बटन, टैप हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो बटन, टैप स्पेल चेक, फिर टैप किया स्लाइड शो बटन, फिर टैप स्लाइड सॉर्टर बटन, जो सॉर्टर बताई दिया आपको, एक ही स्लाइड है अगर हाँ हिट करेंगे तो जितना जूम अगर डायलॉग बॉक्स से बढ़ाया घटाया खुद से तो वो
नॉर्मल हो जाएगा, फिर आएगा टैब्स नॉर्मल टॉगल बटन नॉर्मल बटन यानी, फिर आएगा टैब जूम डायलॉग बॉक्स बटन, फिर टैब जूम इन बटन, फिर टैब जूम आउट बटन, जूम इन जूम आउट सब जानते हैं, टैब करंट हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो यानी अलग अलग स्लाइड पे कितना जूम रखना चाहते हैं, ये टैब स्पेल चेक यानी कितने ऑप्शन आए टैब में, पहला ऑप्शन आया स्लाइड शो बटन, फिर आया स्लाइड सॉर्टर बटन, फिर आया नॉर्मल बटन, तीन हो गए टैब टैब टैब, फिर टैब किया तो आया जूम डायलॉग बॉक्स बटन, फिर टैब जूम इन बटन, फिर टैब जूम आउट बटन, छः हो गए, फिर टैब किया तो स्पेल चेक बटन सॉरी, फिर टैप किया तो ये आया हिट द स्लाइड करंट करंट स्लाइड हिट द जूम करंट स्लाइड हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो बटन, ये हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो बटन नहीं कहेगा। सातवां ऑप्शन, आठवां ऑप्शन आएगा स्पेल चेक, यहाँ से स्पेलिंग करेक्शन। तो ये स्टेटस बार की आठ ऑप्शन है। प्रेजेंटेशन में F6 कीजिए, जाइए और टैप टैप से इन आठों को विजिट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जूम कम ज़्यादा करके देखिए और फिर और स्केप करने के बाद आपको जैसा रखना है कंट्रोल एस करें, और कंट्रोल एस करने के बाद आप यहाँ से मतलब इस विंडो को क्लोज करके ऑल्ट F4 करके बाहर आ सकते हैं। समझ में आ गई ना बात, यानी कि F6 किया तो टैप किया तो F6 से निकल स्लाइड शो स्लाइड सॉर्टर नॉर्मल जूम डायलॉग बॉक्स जूम इन जूम आउट करंट हिट द जूम करंट स्लाइड विंडो और स्पेल चेक, ये ऑप्शन मिलेंगे। इन आठों को विजिट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा क्या बताऊँगी आपको लेआउट बटन के बारे में कल, ठीक है। तो इसको विजिट कीजिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर लिसनिंग।